खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई काबीना इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद वाके पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पिशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी अहलकारों को हरासा किया गया, एमपीएस के अहले खाना पर तशद्दुद किया गया। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई काबीना इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद वाके पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पिशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी अहलकारों को हरासा किया गया, एमपीएस के अहले खाना पर तशद्दुद किया गया। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई काबीना इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद वाके पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पिशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी अहलकारों को हरासा किया गया, एमपीएस के अहले खाना पर तशद्दुद किया गया।